हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अचारी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है अचारी चिकन और हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए मैंने जहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया हुआ है बोनलेस, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, 120 ग्राम जे दही लिया हुआ है, रेड चिली, ग्रीन चिली, एक नींबू, 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, तो 2 प्याज लंबे लंबे काटे हुए थे, जहाँ पर अचारी गोश्त मसाला लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आधी कौली पानी में 2 चम्मच अचारी मसाला लूँगी, उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो अब जो एक नींबू लिया था उसका रस निकाल कर इसके बीच में डाल देंगे। तो इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो अब दूसरी साइड कढ़ाई को गैस पर रख दिया, तो 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे हम इसके बीच। ऑयल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो अब जीरा हमारा चटकने लगा है, तो अब इसके बीच हम 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे। तो अब हम जो प्याज कटे हुए हैं लंबे लंबे वो वाले डाल देंगे बीच में। थोड़ा सा प्याज को हम पकने देंगे 1-2 मिनट के लिए ब्राउन होने तक। लाइट ब्राउन करेंगे हम प्याज को। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका, तो अब हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी बीच में, इसको भी थोड़ा पकाएंगे। तो इसको पकाने के बाद जो हमने हरी मिर्च ली हुई है उसको लंबा लंबा काट कर डालेंगे बीच। तो अब मैं आपको बताना भूल गई थी, जहाँ पर 2 टमाटर लिए हुए हैं इनको लंबा लंबा काटा हुआ है वो डाल देते हैं बीच में। तो अब थोड़ा सा पकने देंगे इसे, हिलाते हुए हम ऐसे पका लेंगे सारे को। तो प्याज वगैरह पकने के बाद हम इसके बीच अब चिकन जो लिया हुआ है, बोनलेस लिया हुआ है मैंने जहाँ पर चिकन, वो डाल देते हैं इसके बीच। तो अब हम इसे ऐसे हिलाते हुए तकरीबन 7 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। हमें 7-8 मिनट इसे ऐसे ही पकने देना है, बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। तो अब लगभग 7 मिनट हो चुके हैं इसको ऐसे ओपन रखे हुए पकते हुए। तो अब हम इसको ऊपर से ढक देते हैं। तो ढकने के बाद हम इसे फिर 6-7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 1-2 बार हम ऐसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि जो नीचे ना लग जाए। तो अब फिर से 7 मिनट पकने के बाद इसे हमने ऊपर से ओपन कर लिया। तो अब इसके बीच 1 चम्मच देगी मिर्च डाल देते हैं। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, तो 1 चम्मच ही हम हल्दी डालेंगे इसके बीच। अब सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह बीच में। अब मसालों के मिक्स करने के बाद जो हमने दही लिया हुआ है 120 ग्राम वो डाल दिया बीच में। आधी कौली के करीब था जो दही, 120 ग्राम था, तो आधी कौली बना वो। अब इसको भी हम 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे दही को बीच में डालकर।
दो ढाई मिनट पकने के बाद अब हम उसके बीच जो हमने नींबू के बीच अचारी मसाला डालकर मिक्स किया था पानी के साथ, वो डाल दिया बीच में। तो अब हम इसे फिर से ऊपर से ढककर पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं तो मेरा अचारी चिकन बनकर तैयार है। अगर आप इसके बीच इतनी ग्रेवी रखना चाहते हो तो बस आप अभी से गैस बंद कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और ग्रेवी को सुखाना चाहते हैं तो फिर आप ऊपर से ढक्कन को हटाकर ऐसे ऊपर रखकर पका सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो अब मेरा कम्प्लीटली अचारी चिकन बनकर तैयार है, तो मैं इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकालती हूँ। तो आप सबको भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल बटन है प्लीज़ उसको भी जरूर दबाइए ताकि जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।